और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां शुक्रवार में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। प्रयागराज में भी भीड़ ने पत्थर बरसाए और आगजनी की। देर शाम हिंसा शांत हुई, लेकिन आज फिर से प्रयागराज में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। कुछ शरारती लोगों ने यहां शिवकुटी स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग पर अंडा रख दिया। इसकी सूचना मिलते ही वहां भीड़ जुटना शुरू हो गई। शिव भक्तों में नाराजगी है, मौके पर भारी फोर्स भी पहुंच रही है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मुस्लिम बाहुल इलाके में जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ ने प्रशासन पर पथराव किया। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ गलियों और छतों पर पहुंच गई और पुलिस पर पथराव करने लगी। आरएएफ के साथ पूरे जिले की फोर्स बुला ली गई है। घटना करीब 2 बजे नमाज के बाद हुई। वहीं अटाला में मजीदिया इस्लामिया कॉलेज गेट के पास से पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया गया। पुलिस और आरएएफ ने खदेड़ा तो भीड़ गलियों में घुसी। फोर्स गली में गई तो छतों से महिलाओं और बच्चों ने भी पथराव शुरू किया। इसमें आरएएफ का एक जवान भी जख्मी हो गया है। उपद्रवियों ने नूरल्लाह रोड अटाला सहित कई जगह आगजनी भी की। बेटकर नगर के टांडा में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास करती रही, लेकिन नारेबाजी लगातार जारी रही। बताया जा रहा है कि जुमे के नमाज के करीब 40 मिनट के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। फिरोजाबाद में भी जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालने का प्रयास किया। देखते ही देखते यहां तैनात पुलिस फोर्स अलर्ट हो गई। मौके पर जिले भर के अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने जुलूस को रोक लिया। नालबंद में करीब 2:30 बजे जुमे की नमाज अदा की गई। उसके 1 घंटे बाद जुलूस निकालने का प्रयास किया गया। लोगों ने जुलूस निकालने के दौरान झंडे भी लहराए।